प्रयागराज में आज से 3 दिवसीय गंगा उत्सव का आयोजन शुरू हुआ। इसके तहत प्रयागराज के सभी गंगा तटीय ग्रामों में 3 दिनों तक वृहद स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज प्रयागराज के सभी गंगा घाटों पर वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया और स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। गंगा की स्वच्छता के लिए शपथ और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भी किया गया है। तो गंगा के विभिन्न घाटों पर सफाई का कार्यक्रम जो आज हमने सवेरे यहाँ संगम में आयोजित किया, इसके अलावा जो गंगा के किनारे गंगा ग्राम हैं उनमें भी जगह जगह सफाई के कार्यक्रम हमारे विभिन्न रेंजों में जो गांव पड़ते हैं उनमें आयोजित किए जा रहे हैं और ये लगातार 3 दिनों तक चलेगा। इसके अलावा कल सवेरे हम जन जागरूकता के प्रसार के लिए गंगा मैराथन का आयोजन कर रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इंदिरा पार्क चौराहा तक कुल 5 किलोमीटर की दूरी है। इसमें महिला व पुरुष वर्ग की अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं और दोनों में ही हम विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतवर्ष में गंगा उत्सव को मनाया जा रहा है। देश के जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं उसके गंगा के तट हो चाहे यमुना के तट हो, सभी सहायक नदियों के तट पे एक गंगा के उत्सव के रूप में श्रमदान किया जा रहा है, स्वच्छता अभियान किया जा रहा है, गंगा के लिए दौड़ किया जा रहा है और यहाँ पर हम लोग आज सुबह से ही जो है 8 बजे से 11 बजे तक गंगा स्वच्छता का अभियान चालू किए हुए हैं, जिसमें किनारे की जितनी भी गंदगियाँ हैं उसको हम लोग एकत्रित किए हैं। साथ में घाट पर जो लोग यहाँ पर स्नानार्थी हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको आज हम लोगों ने स्वच्छता के लिए जागरूक किया है।